बिहार की लाडली बेटियां न सिर्फ पुरानी मान्यताओं को तोड़ रही हैं, बल्कि पुरुष प्रधान समाज की उस मान्यता को चैलेंज कर रही हैं, जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ पुरुष ही अपने रिश्तेदार को मुखाग्नि दे सकता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है बिहार के औरंगाबाद में, जहां एक लड़की ने सदियों पुरानी चली आ रही परंपरा को चैलेंज करते हुए अपने नाना को मुखाग्नि दी है। नतनी आशिका ने उस मान्यता को नकार दिया जिसमें महिलाएं शमशान नहीं जाती हैं। आशिका ने न केवल अपने नाना की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि उन्हें मुखाग्नि भी दी है और दाह संस्कार भी कराया। बताया जाता है कि डुमरा निवासी रामविलास सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज राजधानी पटना के एक अस्पताल में चल रहा था, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। उसके बाद पता चला कि उनके कोई पुत्र नहीं थे। ऐसे में धर्म संकट से परिवार को आशिका सिंह ने उभारा और अपने नाना को मुखाग्नि दी। जमींदार परिवार से आने वाले रामविलास सिंह का शव काफी देर तक इसलिए पड़ा रहा कि उनको मुखाग्नि कौन देगा, इसको लेकर तर्क वितर्क चल रहा था। उनका दाह संस्कार बनारस स्थित गंगा घाट पर किया गया। इस दौरान मौजूद सभी लोगों की भी आंखें नम थीं।